जाखल में जिला फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर ने गुप्त सूचना के आधार पर वीरवार को खाद्य वस्तुओं में मिलावट व बिना लाइसेंस खाद्य वस्तुओं की बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया। टीम ने एक बिना लाइसेंस कुल्फी फैक्ट्री पकड़ी। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेंद्र पुनिया की अगुवाई में टीम ने वीरवार को जाखल में रूबी नाम की कुल्फी आइसक्रीम फैक्ट्री पर छापा मारा। जाखल गौरव बंसल पुत्र विजय बंसल की रूबी कुल्फी फैक्ट्री बिना लाइसेंस के चलती मिली। फैक्ट्री का मालिक फूड लाइसेंस भी नहीं दिखा सका। निर्माता को बिना लाइसेंस कारोबार करने के मामले में नोटिस दिया गया है और यहां से फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने अलग अलग फ्रीजों में से 4 सैंपल भरे हैं। जिला फूड इंस्पेक्टर सुरेंद्र पुनिया ने बताया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए विभाग की ओर से इस तरह के अभियान समय समय पर चलाए जाते हैं। अभियान के दौरान यदि किसी खाद्य सामग्री में मिलावट की आशंका होती है तो उसे परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा जाता है। साथ ही दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में साफ सफाई की भी जांच की जाती है। उन्होंने बताया कि जाखल में रूबी नामक कुल्फी फैक्ट्री में छापामार कार्यवाही के दौरान उनकी ओर से 4 सैंपल लिए गए हैं। उसके बाद इन सैंपलों को कोल्ड फ्रीज के माध्यम से चंडीगढ़ सैंपल प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। ये उसमें ये जो रबड़ी की वाली जो है ये कुल्फी बनाई जाती है उससे, और ये वो चॉकलेट काले वाली जो है इसका ये चोको बार बनाया जाता है, और इसी तरीके से ये जो ये लाल रंग वाली ये ऑरेंज जूसी स्टिक के साथ जो है सैंपल लिए गए हैं। तो क्या कुछ मिला सर यहाँ पे? यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में आइसक्रीम मिली है जो बड़ी अनहाइजीनिक कंडीशन और बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित तरीके से साफ सफाई का नामो निशान नहीं है। कैसा पानी यूज़ हो रहा है तो लैब की रिपोर्ट बताएगी आइसक्रीम बनाने में, लेकिन जो आसपास के लोग घूम रहे हैं उनसे ये पता लग रहा है कि उनको हाइजीनिक कंडीशंस का पता ही नहीं है। मालिक है वो कहीं बाहर गया हुआ है बता रहे हैं, कोई किसी का कोई धार्मिक कोई फंक्शन था तो उसके पिताजी जो हैं उन्होंने उसके बिहाफ पर वो कार्रवाई में शामिल हुए हैं। देखो जी, फूड सेफ्टी एक्ट के तहत फैक्ट्री सील तो नहीं होगी लेकिन मैं डिस्ट्रॉय करूँगा, और क्योंकि इसके बाद लाइसेंस नहीं है तो इसको वार्निंग दी जाएगी कि ये फैक्ट्री जब तक अपना लाइसेंस नहीं बनवाता है तब तक ना चलाएं। तो जैसे के लिए तो पुलिस है ही, तो मैंने भी मदद ली और आप सभी भाइयों ने भी देख ही रहे हैं। आगामी कार्रवाई फूड सेफ्टी एक्ट के तहत ये सैंपल लैब में जाएंगे, उसकी रिपोर्ट आने पर जो सख्त कानून बना हुआ है उसके तहत कार्रवाई होगी जाती है, जो भी लग रहा है तो उसके अंदर क्रिमिनल प्रोसीडिंग का प्रावधान है जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा चलेगा, और मुकदमे में अगर ये दोषी पाए गए तो इनको सजा भी हो सकती है जिसमें 6 महीने तक की कैद और 1,00,000 रुपये जुर्माने तक का प्रावधान है। उसके अलावा अगर जैसे कि लेबल्स में कमी है, जो क्वालिटी में कमी अगर पाई गई लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो तो उस केस में इनको 5,00,000 तक का जुर्माने का प्रावधान है जो कि ADC साहब की कोर्ट से इनको लगाया जाएगा। रूबी आइसक्रीम करके थी और कोई गौरव बंसल सन ऑफ विजय कुमार है तो गौरव बंसल तो अवेलेबल नहीं है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।